चराग उठाओ कि आपदा जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी कि ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। आइए सोते जी। क्या बात है मास्टर जी, क्या बात है, आप तो छा गए। पर हुआ क्या प्रीतु? मास्टर जी आप कह रहे हैं क्या हुआ? आपके स्कूल में शौचालय बन गए, आपने एक नई शुरुआत की है। शुरुआत मैंने नहीं, सविता जी ने की है, स्वच्छता अभियान शुरू करके। पर इसमें सबकी मदद की जरूरत थी और खासकर आपकी। अगर आप दोनों के तारीफों का अभियान खत्म हो गया हो तो खाना शुरू करें। हाँ हाँ, बाकी बातें सब बाद में, पहले मेरे हाथ का बना खाना खाते हैं। आप खाना भी बनाना जानते हैं? मैंने कहा था ना, He is great. वो क्या कहते हैं? सबगुण संपत्त। सबगुण संपत्त नहीं प्रीतु, सर्वगुण संपन्न। लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। अब बात है तो है। चलिए आज मैं आपको अपनी डियर फ्रेंड सेवी की एक राज की बात बताता हूं। प्रीतु अब तुम क्या कहने वाले हो? मास्टर जी आप तो जानते ही हैं कि सैवी कमाल की नर्स है और गजब की दोस्त थी, पर सैवी जी इस दुनिया में सबसे खराब खाना बनाती हैं। किसी चीज में खराब होना वैसा ही है जैसे खूबसूरत चेहरे पर काला टीका। प्रीतु तुम खाना खाने से पहले हाथ धोगे प्लीज? ओ हाँ हाँ जरूर। पता है सैवी, तुम्हारे स्वच्छता अभियान के बाद वो हमारा दोस्त है ना लल्लन, आजकल वो भी अपनी भैंसों को साबुन से हाथ धोकर छूता है, वो भी मल मल कर। अच्छा तो चलो अब तुम्हारे हाथ ही मल मल कर धुलवा देती हूँ। चलो। हाँ प्रीतु दिखा देना। जी अपनी स्लीव्स तो ऊपर करो। नहीं रहने दो, गीली हो जाएगी। प्रीतु लाओ मैं करती हूँ। ये रिवॉल्व मुझे दो। मैं आपको नहीं दूंगा, ये मुझे मिली है, मैं सिपाही हूँ। था टिंकू बेटा ये असली रिवॉल्वर है, मुझे दो। नहीं असली रिवॉल्वर यहाँ कैसे आई? था 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 टिंकू ये तो बहुत अच्छी है। टिंकू मुझे चलानी आती है, मुझे दे दो। नहीं मैं नहीं दूंगा। टिंकू मुझे ही चलानी आती है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। दे दो। टिंकू टिंकू ये तो चल ही नहीं रही, इसे छोड़ देते हैं। हाँ और वैसे भी बेटा अच्छे बच्चे ऐसी चीजों से नहीं खेलते। हाँ मैं इसके बदले में आपके लिए एक बड़ी सी फुटबॉल लाऊंगी। हाँ कब लाऊंगी? इस इतवार को तुम्हारे बाबा के साथ हम सब शहर जाएंगे, वहाँ से ले लेंगे। क्या मुशा को भी साथ लेके जाएंगे?
हाँ क्यों नहीं? ये मैं उषा को बता के आता हूँ। क्या है ये सब? कहाँ से आई है? अरे कांता कुछ भी तो नहीं है, वो रात में काम से इधर तो जाना पड़ता है ना, तो बड़े घर के दुश्मन भी तो कहीं है, बाबूजी ने दे दी हिफाजत के लिए, तुम भी ना। सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। सच में खाना बहुत अच्छा था। आप तो ऐसे तारीफ कर रही हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे नहीं, काफी खाया, और अब तो मुझे आपसे कुकिंग क्लास लेनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जब चाहे शुरू कर सकती हैं। नेकी और पूछ पूछ सैवी, तुम्हें कल से ही शुरू कर देना चाहिए, कम से कम तुम्हारे हाथ का खराब खाना खाकर बीमार पड़ने का खतरा तो नहीं होगा। नर्स हूँ, बीमार पड़ भी गए तो इलाज भी मैं ही कर दूंगी। वैसे बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया, घर पर भाभी के हाथ का बना खाना याद आ गया। आपकी भाभी अच्छा खाना बनाती हैं? अरे कमाल मास्टर जी कमाल, उनके हाथ की तो लौकी भी शाही पनीर लगती है। प्रीतु माधो हो? जी साहब। माधो मेरा नाम जगदीश शर्मा है, मैं शहर में बिजनेस करता हूँ। अरे साहब आप? जी मैंने आपका नाम सुना है, पड़ोस में मेरी बिरादरी के लोग रहते हैं साहब, वो आपके बारे में बताते रहते हैं। माधो उन्हीं लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में भी बताया कि तुम बहुत बढ़िया और जल्दी काम करते हो, इसीलिए मैं यहाँ आ गया तुम्हारे पास। माधव मुझे 100 मटके चाहिए 5 दिनों में, बना सकोगे? 5 दिनों में 100 मटके? हाँ घबराओ नहीं, तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। माधव कितने में बेचते हो एक मटका? जी 7 रुपए का एक। 7 रुपए का? माधव मैं तुम्हें 7.5 रुपए दूंगा। अब चलो 8 रुपए दूंगा, लेकिन मुझे 100 मटके 5 दिनों में चाहिए, बना सकोगे? साहब 5 दिन? चलो माधव तुम्हारे लिए 8.5 रुपए एक मटके के कर देता हूँ, अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। माधो 850 रुपए 5 दिनों में कम नहीं होते, और फिर हमारी तुम्हारी अगर एक बार जम गई तो तुम्हें तो मैं काम देता ही रहूंगा। साहब वो तो ठीक है, पर 5 दिन में 100 मटकियां? राम राम छोटे मालिक, क्या बात है, आज आपका चेहरा बुझा बुझा क्यों लग रहा है? मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं। कौन सी उम्मीद छोटे मालिक? माया के घर आप ही लेके गए थे ना मुझे, वो मदद की बात कहकर, पर कितना भरोसा किया था मैंने, सब तोड़ दिया। विश्वास तो आपने तोड़ा है छोटे मालिक, अपने पिताजी का, माया के पास जाकर। मैंने तो सिर्फ बड़े मालिक का हुक्म बजाया, और जो मेरा आप पर विश्वास था उसका क्या किया आपने? छोटा मुंह बड़ी बात है, पर कलयुग है छोटे मालिक, यहां हर किसी को अपनी अपनी खाल बचाने का हक पहले है,
विश्वास का लेप तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। मेरी बात मानो तो आप भी वही करो जो बड़े साहब का हुक्म है। कभी नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। उस इंसान की जान देना मुझे नहीं, और फिर वो चाहे बड़े साहब का हुक्म है क्यों? फिर तो छोटे मालिक गर्दन आपकी नपेगी और दर्द मुझे भी होगा।